सर आप यहाँ दंडा अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त हैं। क्या है आपकी ड्यूटी कमला पुल पर? बस यहाँ हम लोगों को ये देखना है कि कोई शरारती तत्व कुछ करे नहीं जी। इसी के निगरानी के लिए जो दिशा निर्देश दिया गया है उसी के अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं। आज भर के लिए है सर? हाँ आज भर के लिए है, शाम के 6 बजे तक। थैंक यू सर। बिल्कुल अंगुली दिखाइए, वैसे दिखाइए इसे। क्या उम्मीद लेकर के मतदान किया है सो बताइए आप? क्या उम्मीद? नया सरकार लाना है। परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं। थैंक यू। यहाँ पर मजिस्ट्रेट है आप? हाँ, पेट्रोल मजिस्ट्रेट। पेट्रोल मजिस्ट्रेट है तो सवेरे 7 बजे टाइम से हुआ है मतदान शुरू? मतदान शुरू हो गया सर। तो अभी तक किस तरह से मतदान हुआ? कोई शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है? किसी प्रकार की कोई असुविधा? असुविधा नहीं है। 10 बजे का अभी तक पोलिंग है, लगभग 25% हुआ। भीड़ नहीं देख रहा हूँ, भीड़ नहीं देख रहा हूँ। हाँ अभी जस्ट लोग इसी तरह से लोग आ जा रहे हैं। हाँ, हाँ, इसी तरह से आ जा। कोई अशांति की बात नहीं, नहीं, नहीं कोई। मशीन ठीक ठाक चल रहा है? मशीन सब ठीक। आप लोग क्या सेवा दे रही हैं मैडम? हम लोग टेम्परेचर देख रहे हैं, टेम्परेचर देखते हैं, सैनिटाइजर भी करते हैं। क्या उम्मीद लेके मतदान करने जा रहे हैं बताइए? क्या चाहते हैं आप? यही चाहते हैं कि अच्छा कोई उम्मीदवार बने जिसे पब्लिक को लाभ हो। फिर भी तो आप चयन किए होंगे ना पुरानी सरकार को, चाहते फिर से आवे कि नहीं बदलाव चाहते हैं? क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, नई सरकार आवे। पुराने से आप संतुष्ट नहीं हैं? गिराने जा रहे हैं आप लोग? हाँ जी सर। क्या उम्मीद लेके वोट गिराने जा रहे हैं? क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहती हैं? क्या चाहती हैं? क्यों वोट गिराने जा रही हैं? क्या चाहती हैं बोलिए सरकार से? क्या उम्मीद लेके वोट करने जा रही हैं? सरकार सब कुछ देगी तो दोबारे जाती गिरविला वोट। सरकार जो वर्तमान में है उसे संतुष्ट हैं आप? हाँ। सब कुछ मिल रहा है आपको, सरकारी अनुदान वगैरह मिल रहा है? चार गम कहाँ मिले हबे? तो फिर आप बोल रही है कि सब कुछ दे रही है? चार गम नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है? नहीं। आप बताइए, आप भी तो मतदान करने जा रही है, क्या उम्मीद लेकर करने जा रही है बताइए? सरकार दे रहे हैं हम लोग। आप बता दीजिए क्यों, क्या उम्मीद लेकर के वोट करने जा रहे हैं सो बोलिए। सरकार दे रहा है चार गेहूँ नेका कार्ड पर, वैसे तो फिर उसी को बनाएंगे आप सरकार? हाँ। उसी को वोट देंगे फिर से आप? हाँ। मतदान करने जा रहे हैं जी? मतदान करने? क्या उम्मीद लेके मतदान करने जा रहे हैं? क्या चाहते हैं आप? विकास होना चाहिए, बेरोजगारी कुछ ज्यादा होगी, युवक लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। तो पिछली सरकार भी विकास नहीं हो पाया, कम हुआ है, तो बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। सर आपने मतदान किया? हाँ कर लिया। क्या उम्मीद लेके मतदान किए हैं सर? क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा तो भाई देश का जो मुद्दा है उसके लिए हम लोग मतदान किए हैं, जो हमारा सरकार है उसी से हमारा स्टेट भी हो। थैंक यू। ताकि ला नहीं पकड़ ले सला। एक ही हाथ कर लीजिएगा। हां दाएं हाथ पर ला ले। मतदान करने जा रही है? क्या उम्मीद लेके मतदान कर रही है बताइए? कुछ तो होगा ना आपके मन में कि वोट देंगे तो सरकार बनेगी, सरकार से क्या उम्मीद करेंगे? कुछ तो होगा ना जीवन में? अच्छा होगा सब, सरकार सब व्यवस्था अच्छा कर। पहली बार कर रही हो? हाँ पहली बार। हाँ तो क्या क्या उम्मीदें हैं तुमको तो बताओ? कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छी सरकार बनेगी, बिहार कुछ तरक्की होगा। तुम लड़की हो? एजुकेशन बढ़े। तुम लड़की हो, तुम क्या उम्मीद कर रही हो लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए क्या चाहिए सरकार से? सेफ्टी और एजुकेशन। सेफ्टी एजुकेशन चाहिए। आप क्या करना चाहेंगे मैडम? अभी तो मतदान करने जा रही है। बिल्कुल। तो क्या करना चाहेंगे आप? बस देश अच्छा रहे हर तरह से, बिहार का विकास हो और महिलाओं को हर तरह से मिले। क्या उम्मीद लेकर के आप मतदान करने जा रहे हैं? सिस्टम में थोड़ा सा सुधार हो सके जी। एजुकेशन, सेफ्टी, व्यवसाय का भी स्थिति बहुत खराब है, वो सबको लेकर के थोड़ा सा इसमें एग्रेसिव सरकार कुछ डिसीजन ले पाए। थैंक यू। मैडम इस बूथ के लिए आप पियो हैं जी? कितने बजे मतदान शुरू करवाया है? 7 बजे। 7 बजे अभी तक कोई दिक्कत आपको आई? नहीं दिक्कत। मशीन ठीक ठाक चल रहा है जी? ठीक। कितना प्रतिशत मतदान हुआ अभी तक? 4 घंटा हो गया। जी। अभी तक 4 घंटा हुआ, कितना प्रतिशत मतदान हुआ सर? 18.18 सर। किसी प्रकार की कोई दिक्कत? शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है? शांतिपूर्ण हो रहा है। यहाँ पर मैडम, यहाँ पर तो केवल महिला कर्मचारी को देख रहे हैं जी, क्या खास बात है यहाँ पर? यहाँ पर महिला बूथ है, पिंक बूथ है। पिंक बूथ है, कोई भी जेंट्स इसमें नहीं है? नहीं, सारी महिलाएं हैं जी।
आप मतदान करने जा रही हैं, क्या उम्मीद लेके मतदान करने जा रही हैं, सो बताइए। मतदान करने जा रहे हैं कि अच्छी सरकार हो, हमारे राज्य का प्रगति हो। आप महिला हैं जी, महिलाओं के लिए क्या उम्मीद करते हैं सरकार से आप? महिला का शिक्षा का व्यवस्था अभी अच्छा है, वर्तमान सरकार जो अच्छी सरकार है। आप उसी सरकार को पुनः लाना चाहती हैं? जी मैडम। आप क्या कहना चाहेंगे, कितना उम्र हुआ आपको, सो बताइए। आपका उम्र कितना? मतदान कराने करने जा रहे हैं? करने जा रही हैं। क्या उम्मीद लेके मतदान कर रही है, सो बात कीजिए हमसे, आप बताइए हमको। बताएं आप, बताइए क्या उम्मीद लेके मतदान करने जा रहे हैं? जीतना है। जीतना है, जीतना है। मतलब आप क्या चाहते हैं सरकार से, जो जीतेगा उसे क्या चाहते हैं आप? विकास चाहिए, विकास चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। मतदान करने जा रहे हैं जी? क्या क्या उम्मीद लेके मतदान करने जा रहे हैं? विकास पर। विकास पर उम्मीद? पिछले सरकार में विकास नहीं हुआ? नहीं नहीं, इसमें नीतीश जी तो 15 साल से विकास कर ही रहे हैं जी, तो उसको पुनः आप चाहते हैं कि स्थापित जी, या इसको चाहते हैं कि रेगुलर रहे। क्या रहे हैं सर जी? हाँ, उंगली दिखा दीजिए सर इसे, ये जी ऐसे ऐसे दिखवा दीजिए, वोट दिखाई ना जिसमें स्याही लगा हो जी। सर क्या उम्मीद लेकर के मतदान किए हैं सर, क्या चाहते हैं? सुशासन चाहते हैं बस। तो वर्तमान जो सरकार, पिछली जो सरकार है उसमें सुशासन था, फिर पुनः चाहते हैं भैया? मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा से ही मतदान हो और समाज का अच्छे से कल्याण हो, जो सब चाहते हैं समाज का। पिछली सरकार को आप दोहराना चाहते हैं कि परिवर्तन चाहते हैं आप? नहीं, हम लोग तो वही सरकार वही चाहते हैं। वही सरकार चाहते हैं।